stations, it is an important analytical tool in the hands of governments and monopolies in deciding upon their policies. अब हम आगे बढ़ते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की तरफ, और जिसका दूसरा नाम है ऑर्डिनल एनालिसिस. कार्डिनल का मतलब था मेजरेबल, ऑर्डिनल का मतलब है ग्रेडेबल और रैंकेबल, जहां पे हम रैंक्स दे सकते हैं. ये जो वर्जन है इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. इट वॉज डेवलप्ड बाय टू इकोनॉमिस्ट्स, जॉन आर हिक्स एंड आर जी डी एलन. ये दोनों अर्थशास्त्री ये मानते थे कि यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनसाइड द माइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड देयरफॉर इट इज नॉट साइंटिफिक. इन्होंने ये सोचा कि साइंटिफिकली ये ज़्यादा सही होगा कि हम यूटिलिटी को मेजर न करें, बट वी ट्राई टू रैंक कमोडिटीज अकॉर्डिंग टू प्रिफ्रेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स एंड दिस प्रिफ्रेंसेस आर एक्सप्रेस्ड विथ हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स. फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस ऑन विच इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड. सबसे पहला तो कंज्यूमर इज रैशनल एंड ही हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन विथ हिम, पूरी जानकारी हमारे कंज्यूमर के पास है. नंबर टू, द कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कंसीवेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन दे गिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बास्केट में 5 अलग अलग फल देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि कंज्यूम दिस फ्रूट्स, और कंजम्पशन के बाद मुझे बताइए कि आप किसको फर्स्ट रैंक दोगे, किसको थर्ड रैंक, किसको फिफ्थ रैंक, तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू गिव रैंक्स टू मी. नंबर थ्री, कंज्यूमर हैज अ कंसिस्टेंट कंजम्पशन बिहेवियर, दैट इज इफ यू प्रीफर ए ओवर बी एंड बी ओवर सी देन यू विल डेफिनेटली प्रीफर ए ओवर सी. इसको हम एक फॉर्मूला के तौर पे देखते हैं, तो ए प्रीफर्ड ओवर बी बट बी प्रीफर्ड ओवर सी. देयरफॉर इफ अ चॉइस इज गिवन टू यू देन यू विल ऑलवेज प्रीफर ए ओवर सी. अगर इस प्रकार चॉइस हो रही है तो हम कहेंगे कि द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज कंसिस्टेंट. नेक्स्ट, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज देन कॉम्बिनेशन बी देन द कंज्यूमर प्रीफर्स ए टू बी. कंज्यूमर वॉन्ट्स मोर ओवर लेस. टू इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इसको मैं इस तरह लिख देता हूं चार्ट के फॉर्म में. टू टूल्स ऑफ आई फॉर इनडिफरेंस, सी फॉर कर्व एनालिसिस. फर्स्ट इज इनडिफरेंस कर्व इटसेल्फ, हम कर्व्स की बात करेंगे. एंड सेकेंड इज बजट लाइन, ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, और जिसका तीसरा नाम है इनकम लाइन. शुरुआत हम करेंगे इनडिफरेंस कर्व से. आई विल नॉट डिफाइन व्हाट इज एन इनडिफरेंस कर्व, लेट अस स्टार्ट विद डायग्राम डायरेक्टली. अब इस डायग्राम में बदलाव आ रहा है कंपेयर टू प्रीवियस डायग्राम्स. इस डायग्राम में कोई प्राइस नहीं है. इस डायग्राम में एक्स को एक्सिस पे हम एक कमोडिटी लेंगे और वाई एक्सिस पे दूसरी कमोडिटी. लेट अस से वी आर टेकिंग पेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड पेंसिल्स ऑन वाई एक्सिस एंड आई ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस. एट द एंड ऑफ द कर्व आई राइट टू कैपिटल वर्ड्स आई सी, आई फॉर इनडिफरेंस, सी फॉर कर्व. लेट मी टेक सम पॉइंट्स ऑन दिस कर्व. आई टेक पॉइंट ए, इट शोज मी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज. लेट अस से इट शोज मी 3 पेन्स एंड 32 पेंसिल्स. आई टेक पॉइंट बी, इट शोज मी 10 पेन्स विथ लेट अस से 20 पेंसिल्स. आई टेक वन मोर पॉइंट, लेट दैट बी एफ, इट शोज मी
40 pens with some 8 pencils. इस डायग्राम में मैंने सिर्फ 3 combinations लिए है. आई कैन टेक infinite number of combinations because a curve is made up of infinite points. अब ये जो 3 combination दिए इसको मैं इस तरह लिखूंगा. A is 3 pens plus 32 pencils. B is 10 pens plus 20 pencils. And F is 40 pens plus 8 pencils. ये तीनों combination consumer को एक ही level का satisfaction देते हैं. So I just write U. U stands for level of satisfaction. या तो हम कह सकते हैं कि सेम रैंक ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेकेंड रैंक हो, फर्स्ट रैंक हो या फिफ्थ रैंक हो. नाउ आई डिफाइन. अब मैं आपको परिभाषा देता हूं जो इस डायग्राम के आधार पर समझनी काफी आसान होगी. एन इनडिफरेंस कर्व शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. इसलिए ये जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है. कंज्यूमर को आप पूछिए वुड यू प्रीफर कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन एफ, तो उसका जवाब होगा आई एम इनडिफरेंट. ए भी चलेगा, कॉम्बिनेशन बी भी चलेगा, कॉम्बिनेशन एफ भी चलेगा, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम. लेट अस हैव अ लुक इन द टेबल. हमारे टेबल में 4 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी. कॉम्बिनेशन ए 1 पेन 20 पेंसिल्स, कॉम्बिनेशन बी 2 पेन्स 12 पेंसिल्स, कॉम्बिनेशन सी 3 पेन्स 8 पेंसिल्स एंड कॉम्बिनेशन डी 4 पेन्स 7 पेंसिल्स. ऑल दिस कॉम्बिनेशंस गिव एग्जैक्टली सेम सेटिस्फैक्शन टू अवर कंज्यूमर. हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड. लेट अस हैव अ लुक इन द डायग्राम. नेगेटिव स्लोप का मतलब ज्योमेट्री में ये होगा कि आप टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जा रहे हो. अब इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक में इसका मतलब ये होगा कि आप जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हो तो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स इज इंक्रीजिंग, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी इज डिक्रीजिंग. और ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है दो कमोडिटीज में वो इस तरह हो रहा है कि सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स द सेम. इससे विपरीत अगर आप ऊपर की तरफ गति करते हो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए तो उल्टा हो रहा है. कंजम्पशन ऑफ y इंक्रीजेस फ्रॉम y2 टू y1 एंड एट द सेम टाइम कंजम्पशन ऑफ x डिक्रीजेस फ्रॉम x2 टू x1 सच दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम. प्रॉपर्टी नंबर टू, इनडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. 3 शेप्स आपको याद रखने हैं. 1 इज कॉन्केव, 2 इज कॉन्वेक्स एंड 3 इज लीनियर. एक बार हम तीनों के डायग्राम सिंपल ज्योमेट्री में देख लेते हैं कि हाउ डू दे लुक लाइक. अब मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूं, सिर्फ सिंपल डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं. अगर कर्व इस तरह हो जो हमने ड्रॉ किया है देन वी से द कर्व इज कॉन्वेक्स. इफ द कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इज समथिंग लाइक दिस देन वी से इट इज कॉन्केव. और अगर मान लो कि हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इस तरह कुछ हो स्ट्रेट लाइन तो उसका नाम होगा लीनियर. हमारी प्रॉपर्टी यह कहती है कि इनडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. दिस प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर ऑफ वन कमोडिटी ही इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑफ द अदर कमोडिटी. दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शोज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू सब्स्टिट्यूट
one good for the other. MRS, that is marginal rate of substitution, is also slope of indifference curve. ये क्यों होता है कि as you consume more and more of one commodity, you sacrifice less and less of other. तो इसका कारण ये है कि want for a particular commodity is satiable. And as a person has more and more of a good, his intensity of want for that commodity goes on diminishing. And secondly, most of the goods are imperfect substitutes of each other. If two goods are perfect substitutes of each other, then the indifference curve would be a straight line. And when two goods are perfect complementary goods, then indifference curve will be L-shaped. तो convexity की जो property है, एक बार हम diagram में देख लेते हैं. Diagram में दिखाया गया है कि when you move from x1 to x2 on x-axis, you are moving down from y1 to y2 on y-axis. आपने sacrifice किया है y2 minus y1. For one more unit of x, x2 to x3, you sacrifice y3 minus y2. And for one more unit of x, that is x3 to x4, you sacrifice y4 minus y3 of y commodity. अब ये जो डिफरेंस है, y1, y2 डिफरेंस इज मैक्सिमम, y2, y3 डिफरेंस उससे कम हो गया, और y3, y4 डिफरेंस उससे भी कम हो गया. Let us go back to the first table in indifference curve analysis. उसमें फोर्थ कॉलम, टाइटल है MRS, marginal rate of substitution. For combination A, we cannot calculate because there is nothing before zero. अब जब आप एक पेन से दूसरी पेन की तरफ बढ़ते हो, तो आपने कितनी पेंसिल्स कम की? तो 12 minus 20, 8. Minus 8, minus sign में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 8. अब जब दो पेन से तीसरी पेन की तरफ बढ़े, तो आपने सैक्रिफाइस की है 8 minus 12, 4 पेंसिल्स. एंड फाइनली when you move from third to fourth pen, you have sacrificed 7 minus 8, 1 unit of pencil. Ye jo teen numbers, ank jo hume mile, 8, 4 and 1, it is marginal rate of substitution of pens for pencils for second, third, fourth, that is B, C and D combination in the previous diagram. Let us take up now third property of indifference curve, which states that two indifference curves can never intersect each other. If two indifference curves intersect each other, then we get a combination. हमें ऐसा combination मिलेगा which gives two different levels of satisfaction. इसका मतलब combination of x and y आपको दो अलग rank दे रहा है satisfaction के. This is not logical. Let us have a look in the diagram. इस डायग्राम में हमने तीन पॉइंट्स लिए, ए, सी एंड बी. ए एंड सी आर ऑन IC2, ए एंड बी आर ऑन IC1. ए इज कॉमन पॉइंट, इट इज ऑन IC1, इट इज ऑन IC2. एंड कॉम्बिनेशन ए शोज सम यूनिट्स ऑफ एक्स एंड सम यूनिट्स ऑफ वाई, बट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, विच आई सेड अर्लियर is not logical, not possible, so this diagram is wrong. Not only not two, but even more than two indifference curves, if drawn in one diagram, they cannot intersect each other. They may be very close, but they cannot intersect each other. Property number four, higher indifference curve represents a higher level of satisfaction, because a higher indifference curve may have either more of x given y, or it may contain more of y given x, or it may contain more of x as well as more of units of y. Property number 5, an indifference curve cannot touch either x or y axis. अब मान लो कि हमारा indifference curve x axis को touch करता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि combination तो नहीं बन रहा है, ये basket contains only one commodity. That is only x, zero units of y. और अगर हमारा indifference curve y axis पे touch कर रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके basket में there is no x, only y. But then this is contrary to the definition of indifference curve, जहां पे ये बताया गया था कि it shows all possible combinations.
So this property is very important. Next, we go to indifference map. Let us have a look in the diagram. इस डायग्राम में हमारे पास तीन इंडिफरेंस कर्व है, IC1, उसके ऊपर IC2 और उसके ऊपर IC3। अगर आपको ये पूछा जाए, अगर आपको चॉइस दी जाए कि इन तीन कर्व्स में से आप कौन सा कर्व पसंद करोगे, देन बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी डाउट यू विल से IC3 बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4, हायर इंडिफरेंस कर्व मोर सेटिस्फैक्शन। अगर मैं आपको यह पूछूं कि इंडिफरेंस कर्व 3 IC3 पे आप कहां पे रहना पसंद करोगे, ऑन द टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट और इन बिटवीन द टू, तो आपका जवाब होगा सर कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रैंक और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम। नाउ वी टेक अप सेकेंड टूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, विथ हेल्प ऑफ विच वी विल डिराइव इक्विलिब्रियम कंडीशन। This budget line, second name for it, income line, and third name, alternate name for it, price line. Whenever you go in the market to purchase different commodities, तो आपका उद्देश्य तो यही होता है कि I want to reach highest possible indifference curve. लेकिन दो चीजें ऐसी है जो आपको वहां पर नहीं पहुंचनी देगी जहां पर आपको पहुंचना है। सबसे पहले, money in your pocket is limited. Budget is one constraint. And second, goods are not available free of cost. You have to pay price for X and you also have to pay price for Y commodity. So income is first constraint and price is second constraint. In dono constraints ko jab hum geometric form mein prastut karte hai, to what we get is known as budget line. Let us have a look in the diagram. Hamare diagram mein X axis pe commodity X, Y एक्सिस पे कमोडिटी Y, और आप जो ये लाइन देख रहे हो स्ट्रेट लाइन BL इज बजट लाइन। दिस लाइन शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज विच कैन बी परचेस्ड विथ गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर गिवन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। इस डायग्राम में चाहे आप पॉइंट B पे हो, पॉइंट एल पे हो, उसके बीच कहीं पे भी हो, इनकम दैट यू आर स्पेंडिंग विल रिमेन द सेम। लेकिन अगर आप बजट लाइन की लेफ्ट की तरफ हो, फॉर एग्जांपल पॉइंट एफ, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि बचत हो रही है, आप आपकी बजट पूरी खर्च नहीं कर रहे हो। और मान लो कि मैं कोई एक ऐसा बिंदु लेता हूं जो बजट लाइन की राइट ऊपर की तरफ है, पॉइंट जी इन आवर डायग्राम, तो उसका मतलब ये हुआ कि दैट कॉम्बिनेशन यू कैन नॉट परचेस। आपके पास जो इनकम है दैट इज लेस कंपेयर्ड टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परचेस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई शोन बाय पॉइंट जी। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स टू प्राइस ऑफ वाई। आई राइट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्लोप ऑफ बजट लाइन, BL फॉर बजट लाइन। द फॉर्मूला वुड लुक लाइक दिस, PX डिवाइड बाय PY, P फॉर प्राइस, X and Y for two different commodities. Proof is not required. Now, we are in a position to derive condition for consumer equilibrium. Lekin uske liye wapas hume kuch assumptions karne padenge. Sabse pehla, consumer has a given indifference map. Abhi humne dekha indifference map. Jahan ek hi diagram mein more than one indifference curves. To consumer ko apne preferences pata hai, जिसके आधार पे हम उसके लिए एक इंडिफरेंस मैप बना सकते हैं। सेकंड, ही हैज फिक्स्ड इनकम विच ही विल स्पेंड कंप्लीटली ऑन टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई। मान लो उसके पास 100 रुपए है, तो ये 100 रुपए पूरे के पूरे खर्च हो जाएंगे दो कमोडिटीज पे। नंबर 3, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इज गिवन एंड दिस प्राइजेस विल नॉट चेंज। नंबर 4, गुड्स एक्स एंड वाई आर डिविजिबल। इसका मतलब वी कैन से 7.5 यूनिट्स ऑफ एक्स और 8.93 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। एंड फाइनली, कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली। अब रैशनलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि वॉन्ट्स टू रीच मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। टू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर अंडर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वी ब्रिंग टू थिंग्स टूगेदर। दो चीज़ें हमें साथ में लानी है। सबसे पहले तो इनडिफरेंस मैप, जो कंज्यूमर के प्रिफ्रेंसेस है,
and number two, reality, budget line, which is constraint under which consumer has to behave. अगर ये दो चीज़ें हम साथ में लाते हैं, then diagram will look something like this. चार indifference curves दिखाए गए हैं, IC1, IC2, IC3, IC4. दूसरी चीज़, आप बजट लाइन भी देख सकते हो, BL. X एक्सिस पे कमोडिटी X, Y एक्सिस पे कमोडिटी Y. अब प्रश्न खड़ा होता है, which combination of commodity X and Y consumer will choose so as to maximize level of satisfaction. वापस एक बार हम डायग्राम में आगे बढ़े, तो we will start by elimination method. हम उन बिंदुओं की बात करेंगे, उस combinations की बात करेंगे which consumer will not choose. Then first point, consumer cannot choose any point or combination of X and Y to the right hand side of budget line because out of reach. Consumer ke paas utne paise hai hi nahi and we don't allow our consumer to borrow money. Isliye IC4 curve ko hume bhul jana hai, usko nikal denge. Or any other curve like IC4, out of discussion. Hamara analysis kafi simple ho gaya, only three indifference curves, IC1, IC2, IC3. Second elimination. Humne assumption mein bata diya hai, कि हमारा जो कंज्यूमर है ही विल स्पेंड फुल मनी ऑन बोथ गुड्स एक्स एंड वाई, बचत बिल्कुल नहीं करेगा, एंड देयरफॉर एनी कॉम्बिनेशन और एनी पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल BOL ऑटोमेटिकली रूल्ड आउट. अब शेष बचते हैं वो बिंदु जो बजट लाइन BL पे है और उसके साथ इनडिफरेंस कर्व्स पे भी है. और एक एलिमिनेशन, point B will not be chosen because on point B there is no indifference curve. Point L will also not be chosen again because on point L once again there is no indifference curve. तो हमारी जो choice है काफी limited हो गई, only 5 points which become eligible to be equilibrium of the consumer, point P, Q, R, S and point T. मान लो हमारा कंज्यूमर पॉइंट पी या टी पे है, तो आप देख सकते हो डायग्राम में पी एंड टी आर ऑन इनडिफरेंस कर्व वन, एंड इनडिफरेंस कर्व वन मींस लोवेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. पी और टी पे होने के बाद कंज्यूमर का यह प्रयत्न रहेगा कि उसे ऊपर की तरफ बढ़ा जाए, तो मेक सम मूवमेंट पी टू क्यू और टी टू एस, और कंज्यूमर यह पाएगा कि विथ सेम मनी I am getting higher level of satisfaction, क्योंकि point Q and point S are on IC2, which shows higher level of satisfaction. वहां पहुंचने के बाद वो और एक बार प्रयत्न करेगा कि परिस्थिति इससे भी सुधारी जाए, and he will try to jump Q to R or S to R, and he will be very very happy, काफी खुश हो जाएगा, क्योंकि आर पे पहुंचने के बाद पता चलेगा कि उसी इनकम से, नो एक्स्ट्रा मनी रिक्वायर्ड, उसी इनकम से सेटिस्फैक्शन लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया है. नाउ ही इज ऑन IC3, और IC3 ऐसा कर्व है विच गिव्स हाइएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन. आई रिपीट, दो शब्द मैंने अभी इस्तेमाल किए, हाइएस्ट भी पॉसिबल भी, एंड देयरफॉर पॉइंट आर इज इक्विलिब्रियम ऑफ अवर कंज्यूमर. अब पॉइंट आर पे क्या हो रहा है, लेट अस हैव अ लुक इन अनदर डायग्राम कि एग्जैक्टली इस पॉइंट आर पे क्या हो रहा है. अब हम इस डायग्राम को भूल जाते हैं और दूसरे डायग्राम की तरफ जाते हैं जहां पे सिर्फ एक इनडिफरेंस कर्व लेंगे और एक बजट लाइन. आई ड्रॉ द डायग्राम, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, बजट लाइन BL, और ये जो IC कर्व ले रहा हूं मैं IC3 जो पिछले डायग्राम में था, और पॉइंट आर, ये पॉइंट आर है विच गेव अस कॉम्बिनेशन OX1 ऑन एक्स एक्सिस एंड OY1 ऑन वाई एक्सिस. अब ये जो पॉइंट आर है इट इज कॉमन पॉइंट ऑन इनडिफरेंस कर्व IC3 एंड बजट लाइन BL. उसका मतलब एट पॉइंट आर स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व is equal to slope of budget line. Property number 2
ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हम ये देख चुके हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई विच इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स. और अभी हमने देखा कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स डिवाइड बाय पी वाई. इस फॉर्मूला को हम बॉक्स में रख देते हैं. दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर. इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अवर कंज्यूमर इज डिराइविंग हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यहां तक इस चैप्टर में हमने दो बड़े कॉन्सेप्ट कवर कर लिए. सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और अभी जो कंप्लीट हुआ दैट वॉज थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सप्लाई. लेट अस स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ सप्लाई. सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट अ प्रोड्यूसर और सेलर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम. मान लो मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स. इस मैन्युफैक्चरर ने 10,000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाए. मार्केट में फिलहाल प्राइस है 25 रुपीस पर बल्ब और इस ये इच्छा व्यक्त करता है कि 25 रुपए पे मैं 6,000 यूनिट सप्लाई करने को तैयार हूँ. ऑफर सेलिंग के लिए ऑफर करने को तैयार हूँ. तो ये जो नंबर है 6,000 दैट इज नोन एज सप्लाई डिफरेंस. 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, 6,000 विलिंगनेस टू ऑफर डिफरेंस. 10,000 माइनस 6,000 4,000 दैट इज नोन एज स्टॉक. तो स्टॉक की फॉर्मूला हो जाएगी टोटल आउटपुट माइनस सप्लाई. एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई इज इनवर्स. स्टॉक बढ़ जाता है तो सप्लाई कम हो जाएगी. स्टॉक कम हो रहा है तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी. लॉ ऑफ सप्लाई लाइक लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम देर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. इसका मतलब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उस कमोडिटी की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और अगर उस कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसके साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी अपने आप कम हो जाएगी. लेट अस हैव अ लुक एट लॉ ऑफ सप्लाई इन टेबुलर फॉर्म. तो आप देखोगे टेबल में हमने कॉम्बिनेशंस दिए ए बी सी डी ई एंड एफ. कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है कि जब प्राइस इज 1 रुपी क्वांटिटी सप्लाइड इज 10. कॉम्बिनेशन डी दिखा रहा है कि वेन प्राइस इज 4 रुपीज क्वांटिटी सप्लाइड इज 60 यूनिट्स. और कॉम्बिनेशन एफ हमें ये दिखा रहा है कि वेन प्राइस इज मैक्सिमम 6 रुपीज क्वांटिटी सप्लाइड इज 100 यूनिट्स. ध्यान दे लास्ट कॉलम पे नंबर्स आर इंक्रीजिंग 10, 25, 50, 60, 75, 100. नाउ इफ यू रीड लास्ट टू कॉलम्स टुगेदर तो आप ये पाओगे कि जब प्राइस मिनिमम है क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इज मिनिमम एंड वेन प्राइस इज मैक्सिमम 6 रुपीज क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इज मैक्सिमम. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. इस टेबल को जब हम ग्राफ के फॉर्म में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें तो वी विल गेट सप्लाई कर्व. लेट अस ट्राई टू ड्रॉ सप्लाई कर्व. एक्स वाई एक्सिस सिर्फ एक चेंज होगा. एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड इंस्टेड ऑफ डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस एज इट इज गिवन. नाउ वन थिंग वी कैन डू, जो ऊपर टेबल है उसको हम कॉपी कर सकते हैं. अगर नहीं करना हो तो पॉजिटिव रिलेशनशिप इस तरह दिखाया जा सकता है. अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, कर्व के एंड में मैं एस रख दूंगा, एस फॉर सप्लाई कर्व. लेट मी टेक सम कॉम्बिनेशंस इन द डायग्राम. कॉम्बिनेशन ए प्राइस इज पी वन सप्लाई इज एस वन. कॉम्बिनेशन बी प्राइस बढ़ रहा है पी वन टू पी टू. एज अ रिजल्ट आप देख सकते हो डायग्राम में सप्लाई भी बढ़ रही है एस वन टू एस टू. इसी तरह कॉम्बिनेशन सी टेल्स अस दैट व्हेन प्राइस फर्दर इंक्रीजेस फ्रॉम पी टू टू पी थ्री क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस फ्रॉम एस टू टू एस थ्री. अपवर्ड स्लोपिंग कर्व,
means direct relationship between price and supply. अब ऐसा क्यों होता है?